ये देखिए, ये जो है ये ईयरफोन है Realme का कॉलर बैंड। ये आप देखेंगे ये थोड़ा सा पुराना है और ये जो थोड़ा सा वायर जो इसका कट गया है, ये देखिए इसका वायर जो है इस जगह से कटा हुआ है क्योंकि ये वो जो एरिया है वो थोड़ा हार्ड है और ये वायर जो थोड़ा सॉफ्ट है उस वजह से वो कट गया था। तो इसको हम लोग रिपेयर करेंगे, तो पहले इसको खोलेंगे, खोलना सीखेंगे पहले आज हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में रिपेयर करना सिखाएंगे। तो ये देखिए ये जो जगह है यहाँ पर से ये जो रबर का दिख रहा है आपको, ये ऊपर जाएगा थोड़ा, इसको ये चिपका हुआ रहता है, इसको थोड़ा ऊपर करना ही पड़ेगा। आपको चिमटा से करें या फिर किसी भी स्क्रू ड्राइवर या किसी भी मदद से इसको थोड़ा ऊपर करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ से अगर उखड़ जाता तो पीछे में लुब्रिकेंट रहते हैं इसके वजह से वो ऊपर चल जाएगा, लेकिन यहाँ से पहले उखाड़ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसे निकालने में। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा देखना होगा कि कैसे इसको करना है। ये देखिए ये बहुत मेहनत करने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर आया है, इसको हम लोग और खींचते हैं और ऊपर करते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए वहाँ ऑयल वाल दिख रहा है, ये पूरे वायर के अंदर में ऑयल रहता है क्योंकि कुछ इससे कुछ फ़ायदा होता होगा पता नहीं मुझे, लेकिन ये ऑयल डाला गया है, हो सकता है उसका ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ऑयल डाला गया है। ये देखिए इस तरह से अगर आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे ना तो ये कभी नहीं निकलेगा। तो मैं उसको ट्राई किया था, नहीं निकला। आप देखिए दूसरे ट्राई में बताता हूँ, इसको यहाँ से हीट करना पड़ेगा। अगर आपके पास में एयर ब्लोअर नहीं है तो आपको ये जो एरिया है इसे हीट करना पड़ेगा लाइटर की मदद से। तो लाइटर से तो वो जल सकता है, इसलिए मैं इसके ऊपर पहले एल्युमिनियम फॉइल को लगा ले रहा हूँ क्योंकि वो जल जाएगा या कलर उतर सकती है उसकी, इसलिए एल्युमिनियम फॉइल को पहले लगा लेते हैं, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा तो अच्छा रहेगा नहीं देखने में भी। तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि ये अगर जलता है तो वो क्या होगा, वो सिकुड़ के ऊपर चला जाएगा, इसीलिए थोड़ा ऊपर कर दिया मैं। और लेकिन वो हो नहीं रहा, लेकिन करना पड़ेगा, थोड़ा सा करके ट्राई किया नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सावधानी से इसको हम लोग हीट करेंगे। तो उसके लिए मैं देखिए ये जो लाइटर है, इस लाइटर से इसको हीट करूँगा उसके चारों तरफ, मतलब पूरे अराउंड इसको हीट करूँगा जिससे वो निकल जाए। इस हीट से वो बगल का जो प्लास्टिक है वो थोड़ा सा गल रहा था देखिए बैंड करने पर, तो उसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। देखिए ठीक कर दिया मैं थोड़ा, नहीं तो फिर वो क्या होता, वो फिक्स हो जाता उसी तरह से। तो इसको मैं हाथ से निकालने की कोशिश कर रहा था खींच के, लेकिन वो नहीं निकल रहा था और इसको पकड़ने में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि ये बहुत चिकना है, पकड़ आता नहीं है जल्दी। फिर से मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ, हल्का सा गर्म करूँगा नहीं तो पेंट निकल जाएगा इसे। वो खोलते समय थोड़ा ठंडा हो गया था। अब इसको मैं ये प्लायर की मदद से, नोजल प्लायर है ये कोई भी प्लायर, अच्छे से हल्का सा दबा के उसको खोले नहीं तो कट जाएगा वायर। तो उसके देखिए हल्का सिर्फ मैं पकड़ के उसको खींच रहा हूँ क्योंकि वो कट ना जाए हाथ से, क्योंकि पकड़ाएगा नहीं वो उतना अच्छा ग्रिप से, इसलिए मैं इससे हल्का सा देखिए पकड़ खींचा है, निकल गया आराम से। हीट बहुत है वहाँ पे और ये चिकना भी बहुत है इसलिए खिंचाता नहीं है। अब इसके बाद जो है इसको निकालने के लिए हम लोगों को उसका जो बटन है प्लस माइनस और माइक रिसीवर का बटन जो है, वो बटन को उखाड़ना पड़ेगा नहीं तो फिर वो निकलेगा नहीं, ऊपर से चिपका हुआ है वो। तो उसके लिए मैं एल्युमिनियम फॉइल लगा लिया हूँ, उसको हीट करूँगा फिर, नहीं तो फिर वो निकलता नहीं टूट जाता। तो इसको हीट कर रहा हूँ, ये देखिए हीट करने के बाद उसके बटन्स को हम लोगों को उखाड़ देना है ऊपर से। अब ब्लेड या फिर पिन की मदद से इसे उखाड़ लेंगे। ये मैं वीडियो थोड़ा फास्ट करके दिखा रहा हूँ, फॉरवर्ड करके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगा था निकालने में इसको। और ये पूरा जो खोलने का प्रक्रिया है ये लगभग 45 मिनट से एक घंटा के बीच किया था क्योंकि ये बहुत ही हार्ड इसको खोलना है। तो ये देखिए उखड़ गया है, इसको हम निकाल रहे हैं ये बटन को। ये देखिए ये बटन को निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल ट्रिकी है क्योंकि ये बहुत अच्छे से चिपका हुआ रहता है ये। तो इसको देखिए इस तरह से हम लोग निकाल लिए इस बटन को, देखिए दिख रहा है ये पूरा अच्छे से निकल गया है, टूटा नहीं है। हीट नहीं करेंगे तो टूट जाएगा निकालते टाइम। अब देखिए इसमें क्या है कि ये साइड से देखिए बटन भी काम कर रहे हैं, इसको मैं उखाड़ने के बाद चेक कर रहा था कि बटन ठीक है कि नहीं। तो ये देखिए ये जो बटन से वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। अब देखिए इसके अंदर में क्या है, ग्लू डाला हुआ है चिपकाने के लिए, उसके अंदर में एक प्लास्टिक का फ्रेम में के अंदर में ही किट है फिक्स किया हुआ, वो उसके अंदर घुसा हुआ ग्लू डाला हुआ है। और ये देखिए वाइट ग्लू छूट गया थोड़ा सा साथ में इसका, साथ में एक ब्लैक ग्लू भी है उसके अंदर में जो कि उसको ये
स्वेट प्रूफ बनाता है, मतलब उसके अंदर पसीना नहीं जाएगा ना पानी जाएगा, वाटर प्रूफ है थोड़ा, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये पसीने को अंदर नहीं जाने के लिए उस तरह का उसमें ग्लू डाला गया है। तो ये देखिए जो वाइट वाला जो पार्ट है उसका ही छूट गया था, इसके अंदर ब्लैक ग्लू भी है, उसको मैंने पिन से साफ़ किया था। ये देखिए पहले इसको निकाल लेते हैं अच्छे से, तो ये निकल रहा है। ये देखिए बहुत ही क्या ना, पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था क्योंकि बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत छोटा होता है ये, और इसके ऊपर जो पेंट लगी उसमें बहुत फिसलन था, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं और फिर उसके बाद ग्लू को निकालते हैं, वो निकल नहीं रहा था। हल्का सा गर्म करेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, पेंट ख़राब होगा इसके ऊपर का, तो उसको गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद पिन से हम लोग इसको साफ़ करेंगे उसके ग्लू को। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इस पिन को पिन इसमें अंदर घुसाया और इसको साफ़ किया था, और इसको देखिए यहाँ से ढकेलने की कोशिश कर रहा था निकालने की। तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर भी एयर टाइट करने के लिए या स्वेट प्रूफ बनाने के लिए वहाँ भी ग्लू डाला हुआ है, ये जो चार्जिंग वाला जो सॉकेट है उसके अराउंड भी ग्लू डाला हुआ है, उसको भी क्लीन करना पड़ेगा, वो मुझे पता नहीं था। उसके बाद फिर से मैं उसको हीट करके उसको निकालने की कोशिश कर रहा था, वो देखिए क्योंकि मैं इसे पहली बार खोल रहा था, इसे पता नहीं था मुझे कैसा खोलना है। तो उसके बाद पता चला कि इसमें कहाँ कहाँ ग्लू है, तो एक बार पता चल गया मुझे। ये देखिए इसके साइड में भी ग्लू है, उसको मैं निकाल रहा हूँ पिन से। तो इस प्रकार से आपको भी निकाल लेना है आपके पास में भी अगर इस तरह से कुछ आता है ईयरफोन तो। अब देखिए इसको ढकेल के हमने निकाल रहा हूँ, बहुत देर लगा था इसको निकालने में, इसमें मैं बहुत फास्ट किया हुआ वीडियो को। ये जो सॉकेट दिख रहा है वो सॉकेट मेटल का नहीं है, वो भी प्लास्टिक का है, इसलिए उसको गर्म करने से मैं ध्यान दें, नहीं तो फिर वो भी पिघल जाएगा और उसको ढकेलने से वो टूट भी सकता है। तो मैं तो बहुत ही सावधानी से इसे किया है। देखिए इसको ढकेल के निकाला हूँ मैं, देखिए ये बहुत ही मेहनत के बाद इसको लूज़ हुआ था थोड़ा, उसके बाद ये घसकना शुरू हुआ और इसको निकाला मैं। ये देखिए ये जो है अब निकलने वाला है, थोड़ा सा ऊपर आया है, देखिए इसको ढकेलने के बाद ये देखिए थोड़ा ढकेलाया, उसके बाद ये निकल गया, ये देखिए निकल गया। इस प्रकार से इसको निकालना था हमें, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने इसे खोलने के लिए सिखा दिया आपको, नेक्स्ट वीडियो में इसको रिपेयर करेंगे, कहाँ कहाँ से कटा हुआ है क्या क्या है इसको चेक करेंगे। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और भी वीडियो ऐसे आएंगे जिसमें मैं अच्छे से आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में कि कैसे किस चीज़ को कैसे रिपेयर करना है, या फिर कुछ नए इन्वेंशंस भी मैं इस वीडियो में अगले वीडियो में किसी और वीडियो में बताते रहूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।